हेलो जी, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है हैशटैग दुष्यंत, और मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और भाई का नाम है डीके। और डीके बोले तो और क्या करेगा यार, तू जान गया यार, छोड़। आज जो ट्रेलर आउट हुआ है वो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही सेंसिटिव भी हो सकता है, बहुत ही हिप हॉप वाला भी हो सकता है, मतलब जितना कहा जाए उतना कम। ड्रामा है, मस्ती है, म्यूज़िक है, रोमांस है, सब कुछ है। और आज बहुत ही अच्छा ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ गली बॉय की। जी हाँ, गली बॉय ऑफिशियल ट्रेलर इसका रिलीज़ हो चुका है और इसके अंदर है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है। ट्रेलर शुरू करने से पहले डीके भाई से बात करना चाहता हूँ कि जो ट्रेलर, जो अभी ट्रेलर का हम रिएक्शन करने वाले हैं, उस मूवी का आपको कितनी दिन से इंतज़ार था और क्या क्या आपने सोचा था, मतलब कि क्या क्या देखने को मिल सकता है इस मूवी के अंदर यार। और क्या तो नहीं भाई, जब से मुझे पता लगेला था ना कि ये मूवी आ रही है, इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है, मैं जब से सोच लेता था देखने जाएगा आपको इसको। और बहुत अच्छी बात तो ये लग रही है भाई मेरे को इसके अंदर, जो रणवीर सिंह है और सिम्बा में एक्टिंग, भाई मुझे पता है भाई मेरे जैसे गुंडों का इन्होंने सफाया करा, मगर रणवीर सिंह है भाई, पसंद है, बॉलीवुड का स्टार आने वाला, पसंद है भाई मुझे। तो भाई लोगों रिएक्शन शुरू करते हैं और करते हैं ट्रेलर को इंजॉय। हाँ भाई शुरू करो, अपना भी मन कर रहा है पूरा ट्रेलर देखने का। क्या ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में। बन जा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। ये टी-शर्ट है नली इलाका, ये मेरा, गो बैक टू योर गली। कुछ है क्या बोलने को इसका? रणवीर की जो इसके अंदर लुक है ना, वो मतलब मुझे बैंड बाजा बारात वाली लुक लग रही है इसके अंदर। पुराने तरह के बाल हैं, कुछ स्ट्रीट बॉय वाली लुक दी हुई है रणवीर सिंह को, और ये बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि मतलब उनकी जो स्ट्रीट बॉय वाली ना फीलिंग आ रही है, उन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से मेंटेन किया है। पहले जिस मूवी के अंदर इन्होंने काम किया था उसके अंदर थोड़ा बॉडी शॉडी, सिम्बा के अंदर बॉडी शॉडी बनाई थी, और अभी थोड़ा सा लूज़ कर लिया अपने आप को, वेट भी शायद थोड़ा सा कम लग रहा है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ बड़ा। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? और अपन क्या कह रहा था भाई, यही तो कह रहा था कि भाई रणवीर सिंह की भैया मूवी है, अपने को ज़्यादा है और अपने को ट्रेलर के ऊपर तेरा रिएक्शन देने का, यही चमारे में आया और यही मुझे देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर। जो रणवीर सिंह है भाई, क्या लुक दिए ला है, मतलब बालों के ऊपर काम किए ला है, मतलब बहुत सारा इसके अंदर एटीट्यूड भरे ला है। एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है भाई इस काम के अंदर, और एटीट्यूड भरे ला है, मतलब क्या बोलूँ भाई, कितना बोलूँ उतना कम, बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू, छोकरी। सफीना, तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भुगतूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। अकेला इंसान, फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार, फिर रूम्स तेरे आठ क्यों। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना, कुछ जो करने का है तू कर। तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। वो कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़, हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े। उठ जा अपनी राख से, दूर जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर। बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लावा फट के बाहर आने दे। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों, तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा, कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर। सलाम ठोक सर झुका, तू दुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। अपना टाइम आएगा,
अच्छा ट्रेलर मजा आ गया ट्रेलर देख के, और बहुत अच्छी मतलब इसके अंदर जो लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है वो स्ट्रीट लैंग्वेज वाली, मतलब स्ट्रीट लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, अपने को आने का क्या ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, क्या बोलते हो यार स्ट्रीट लैंग्वेज के बारे में, क्या बोलूँ यार, अखी लैंग्वेज जो है ना ऐसी ही होती है, मतलब आप स्ट्रीट बॉय में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, मतलब ऐसी लैंग्वेज आपको देखेंगे मैं, आप उनकी लैंग्वेज जो है मतलब धमाल मचा देती है, और भाई स्ट्रीट लैंग्वेज की जितना भी बॉय नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाने का ना, ऐसी लैंग्वेज मिलेगी तुम्हारे को देखने का, उसको सुनने का तुम्हें सेम ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और जो मूवी है ना ऐसी नहीं बनती है, मतलब क्या काम किया है, मतलब अपने को मज़ा आ गया है, कहीं भी जाइए ऐसी गली गली के अंदर ऐसा आपको स्ट्रीट बॉय के जो रैपर्स हैं वो स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है इसके अंदर दिखाई जा रही है, मतलब मज़ा आ गया, और ट्रेलर देख के तो मतलब इतना मज़ा आ गया है, तो मूवी देख के अपने को भाई बहुत मज़ा आएगा, अपन जरूर जाएगा मूवी देखने, तुम जाओ जाओ, जाओ। बहुत अपन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार डीके जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कह रहे हैं, और इसके अंदर जो मूवी के अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगी, स्ट्रीट बॉय का पूरा स्ट्रगल दिखाया हुआ है, और इसके अंदर जो जो भूमिका निभा रहे हैं रणवीर सिंह वो डिवाइन की निभा रहे हैं, डिवाइन के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, प्लीज़ उसको सुनेगा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, एक आधा आपने गाना सुना है मतलब डिवाइन का, मतलब डिवाइन के बारे में कुछ जानते हो तो ऐसा कुछ डीके जी कुछ बताओ यार, ऐसी बात कर रहे है यार, डिवाइन के सॉन्ग अपने नहीं सुने होंगे भाई, सुने ले हैं, क्या सॉन्ग आता है, मतलब अपने का जो चक्कू है, अपना जो वूल है, अपना जो फंटास बॉय है, अपने फंटास लड़के हैं, अपने फंटा वो भी जो है डिवाइन के गाने मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के बाद काम कर रहे लेते हैं, मतलब इतने अच्छे सॉन्ग गाते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं, मज़ा आ जाता है अपने को, मेरे को भी सुनने में बहुत मज़ा आता है, कानों में लगाए आले और दे डाले, अपने अभी रैप चल रहा है भाई। डिवाइन की कुछ ऐसी स्टोरी ली है कि मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब छोटे से स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया, जैसे अपन चक्कू मारने के लिए जाता है ना तो अपने को भी पेरेंट्स मना करते हैं, मगर अपने को करना है, क्या अपने को जी लगता है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या बोले, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया इस मूवी के अंदर, आफ्टर ऑल इसके अंदर आलिया भट्ट भी है, आलिया भट्ट मेरी फेवरेट, पर्सनली फेवरेट, बहुत अच्छा उनका राजी में उनकी एक्टिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी लगी, मैच्योर लेवल की इसके अंदर लग रही हैं, और इसके अंदर मूवी के अंदर यही है कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड और स्ट्रीट जो स्ट्रीट बॉय होता है जो रैपर बनना चाहता है उसकी एक स्ट्रगल वाली स्टोरी है, उसके फादर और उसके पेरेंट्स को बनने नहीं दे रहे हैं, और ये डिवाइन की पूरी आत्मकथा जिसे कहते हैं ट्रू स्टोरी पे मूवी बनाई हुई है, बहुत अच्छी मूवी, और मैं अगर इसको हैशटैग देना चाहूँ तो मेरे लिए भाई 5 में से 4.5 4.5 हैशटैग मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से कितने हैशटैग होने चाहिए डीके जी यार ये बताओ आप, क्या बोल रहे ला है, जितने भी हैशटैग दिए ला है ना भाई, जो तेरे चैनल के हैशटैग सब कम, 5 से भी ज़्यादा हैशटैग मेरी तरफ से जाना चाहिए, मगर थोड़ा लिमिटेशन में रहने का, थोड़ा लिमिटेशन बने रहना चाहिए, 4.5 मेरी तरफ से भी एकदम तरीके से दिए ले आया मैं, वो बहुत अच्छा ट्रेलर मज़ा आ गया देखने का, 10 out of 10 मैं जा रहे रहा है मूवी देखने के लिए, तुम भी चलने का तो अपने बुलाने का कॉल करने का क्या। तो भाई लोगों आज के वीडियो में यही था, बहुत अच्छा आपने एंजॉय किया होगा आई होप, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए यार, और सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर मस्ट आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत मज़ा आया मुझे ट्रेलर देखने में, और मूवी देखने जरूर जाना है, मैंने तो जरूर जाना है, आई होप क्या मतलब मुझे रैप पसंद है, और रैप जमाना ही यही है रैप का, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इधर जाने का, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, और दबा देने का सब्सक्राइब बटन को, और दबा देना नोटिफिकेशन बटन को, नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपन आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, काम 35। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।